Next important sum of contract costing, that is DSK Limited. Now, DSK Limited commenced a contract. What? DSK Limited commenced a contract on 1st April 2015. He means DSK Limited, this company commenced a contract on 1st April 2015. Okay. Contract price was 35 lakhs. Contract price 35 lakhs. And it is likely to be completed on 31st December 2016, next year. Means first year will be what? 1st April to. First year will be 1st April 15 to 31st March 16. Means first year full 12 months. First year is what? Full 12 months. Right there, first year aapka directly malum pad raha hai. Pure 12 mahine ka hai, 1st April se 31st March. Right? Chalo. Now. Aur wo next. नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर मतलब एस्टिमेटेड, तो एस्टिमेटेड ईयर में कभी खत्म होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट? 31st दिसंबर को. तो नेक्स्ट ईयर कभी से स्टार्ट होगा? 1st अप्रैल 16 टू 31st दिसंबर, तो 12 मंथ्स इधर, तो नेक्स्ट ईयर का 9 मंथ्स. तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितना हो गया? 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21. 12 प्लस 9 मींस 21 मंथ्स का पूरा लाइफ है कॉन्ट्रैक्ट का. 21 मंथ्स. क्लियर? व्हाट इट? Now, आ जाओ. सारे एक्सपेंडिचर दिए सेम जैसा लास्ट लेक्चर में सम किया, वही फॉलो करना है सब कुछ. मटेरियल डेबिट, डायरेक्ट लेबर डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, खर्चा है तो डेबिट, चार्जेबल एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट. तो ये चारों तो अपना सीधा मालूम पड़ता है, ऑल विल बी डेबिटेड. ओके, मटेरियल मतलब मटेरियल इशू किया है, इशू किधर किया है? कॉन्ट्रैक्ट में. मटेरियल आपने कॉन्ट्रैक्ट में इशू किया तो कॉन्ट्रैक्ट में आया, आया तो डेबिट व्हाट comes in, debit what comes in. और आप दूसरा फंडा, मटेरियल है तो खर्चा है, मटेरियल इशू कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में तो मटेरियल आपका एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सिंपल फंडा. चलो, तो ये सारे डेबिट हो गए आपके. अच्छा, प्लांट परचेज है, व्हाट इज गिवन नाउ? प्लांट परचेज. अब बच्चा ध्यान देना, प्लांट परचेज है. अब ये प्लांट कौन सा है, स्पेशल है कि कॉमन है? दैट वी हैव टू सी. तो उसके लिए अपने को पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा. तो देख लेते हैं प्लांट कौन सा है, नीचे देख लेते हैं कि प्लांट स्पेशल प्लांट है क्या. इधर किधर, द प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट. बस ठीक है, मतलब प्लांट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो दिस प्लांट विल बी टेकन एज कॉमन प्लांट. अगर प्लांट के बारे में स्पेशल प्लांट पर्टिकुलरली यूज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट ये सब नहीं दिया है, तो अपने को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? दिस प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एज कॉमन प्लांट. यस बिंदा, वेरी गुड. तो कॉमन प्लांट, और कॉमन प्लांट में भी कौन सा मेथड लेने का बताया ना मैंने, कॉमन प्लांट में एक्सपेंस मेथड. एक्सपेंस मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन डेबिट करते हम लोग, बस डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर देने का, बाकी कोई टेंशन पालने का ही नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, बस. ठीक है, तो इसका नोट लिखूंगा मैं. चलो नेक्स्ट, प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट द एंड ऑफ द पीरियड. और अभी देखो, प्लांट परचेज किया था 3 लाख का, फिर प्लांट आपने रिटर्न भी किया है स्टोर को, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख का प्लांट रिटर्न किया, और लास्ट एस्टिमेटेड में पूरा, तो 1 लाख 2 लाख हो गया ना, 3 लाख का पूरा रिटर्न हो गया. ओके, वो देखेंगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तभी विल सी. आर्किटेक्ट फीस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड के ऊपर बोला है. आर्किटेक्ट फीस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 4%, 4%. ठीक है, वो भी देख लेंगे. वर्क सर्टिफाइड दिया है नीचे. वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑल्सो गिवेन. कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इज व्हाट, 16 लाख एंड 18 लाख. कैश रिसीव्ड का इंफॉर्मेशन का तो अपने को कोई यूज है नहीं, बट वो कैलकुलेशन में यूज होता है. बाकी एंट्री में तो कोई यूज नहीं होगा इसका, कैश रिसीव का. हाँ, अब इधर देखना, वर्क सर्टिफाइड अपने को दिया बेटा, इधर 20 लाख है और इधर 35 लाख. बेटा ध्यान देना, अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35 लाख, और देख रहा है वर्क सर्टिफाइड लास्ट में 35 लाख. कॉमन सेंस है ना बेटा, पूरा काम खत्म हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो पूरा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, पूरा 35 लाख, तो पूरा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव कर लेंगे. दैट्स इट, सिंपल. मतलब इधर पूरा वर्क सर्टिफाइड हो गया, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आपका कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ था? 20 लाख. बेटा अगर फर्स्ट ईयर में 20 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है,
तो सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर है उसमें कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ रहेगा बोलो फटाफट आंसर। अगर फर्स्ट ईयर में 20 लैक्स का वर्क सर्टिफाइड हुआ है, पूरा काम अपना कितने का है 35 लैक्स का, जो कि पूरा इधर कंप्लीट हो गया। देखो ये क्यूमुलेटिव बोला है, क्यूमुलेटिव ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब प्लस करके दिया उधर। तो सिंपल सा फंड है बेटा, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35 लैक्स है, फर्स्ट ईयर में 20 लैक्स का वर्क सर्टिफाइड हो गया था, तो सेकेंड ईयर में कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ? यस, वेरी गुड बिंदा, हर्षल, आकाश, वेरी गुड, 15 लैक्स, वेरी गुड। तो 15 लैक्स का वर्क सर्टिफाइड इस ईयर में हुआ है, तो जाके 20 प्लस 15 लाख पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। इसलिए इधर बोला क्यूमुलेटिव है, क्या है वो क्यूमुलेटिव, मतलब 20 प्लस 15 करके 35 लाख, तो 35 लाख अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही है ना बेटा। दिस इज व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 35 लाख। तो ये बच्चा क्या करने का, याद रखने का, समझ गया? तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो ये काम में आएगा आपको 15 लाख, हाँ याद रखना। किधर काम में आएगा? इधर आर्किटेक्ट फीस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट ईयर में कितना है? 20 लाख। सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है? 15 लाख। तो 15 लाख के ऊपर 4%, 35 लाख के ऊपर 4% मत दे देना, क्योंकि 35 लाख में से 20 लाख का उसको 4% तो पहले ही दे चुके हो आप, बराबर है कि नहीं? तो अब कितना देना पड़ेगा? 15 लाख के ऊपर। तो हो जाएगा ना 20 लाख प्लस 15 लाख 35 लाख, तो 35 लाख का 4% उसको मिल गया। तो ये सब चीज ध्यान देने का, छोटी मोटी चीज है बट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, बराबर है। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35 लाख, मतलब पूरा वर्क सर्टिफाइड हो गया, जिसमें से 20 लाख फर्स्ट ईयर में हो गया था, तो इस ईयर में कितना हुआ रहेगा? 15 लाख। गॉट इट? क्लियर? चलो, यस, वेल डन बेटा, वेल डन अफसाना। नाउ द प्लांट इज टू बी सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन। प्लांट पर देखो डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया है 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब प्लांट का जो कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा, ओके, और वो कंटिन्यू रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है क्या कुछ? लास्ट लेक्चर में जो सम किया था पूरा वही है एडजस्टमेंट, मतलब जो प्रॉफिट आपको एस्टिमेटेड आएगा, मतलब ये अकाउंट नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, अब भाई एस्टिमेटेड बनाएगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही आएगा ना बेटा। तो व्हाटएवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट यू विल गेट, उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे वर्क सर्टिफाइड ऑफ 31 मार्च 16, तो ये 31 मार्च 16 का वर्क सर्टिफाइड है, फिर उसको डिवाइड कर दो बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब सेम एडजस्टमेंट आपका जो लास्ट लेक्चर में सम किया है पूरा सेम एडजस्टमेंट, उधर भी वही था। कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तो जो नेट जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है बोलो मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 31 मार्च 16, डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेम एडजस्टमेंट है। और इसी एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते यार क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूरा डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ, याद रखना। ये पूरा सेंटेंस का मतलब ही है, जो भी आपको एस्टिमेटेड नॉट नेट प्रॉफिट हो रहा है कंप्लीशन पे, कंप्लीशन मतलब ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? वर्क सर्टिफाइड ऑफ व्हाट? 31 मार्च 16, मतलब फर्स्ट ईयर के वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई करो बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना बेस बन गया, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर है? ये लास्ट सम में भी किया है, इधर भी वही है। चलो, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 and show your calculation of profit to be credited to the profit and loss. So, to karenge calculation. Bas, jo bhi hoga calculation should be made to the nearest rupee. Okay. So, ye hai apna question. Barabar hai? Chala. Now, we will going to solve it step by step. So, directly for solving some DSK Limited company name, then contract account for the year ended. First year contract we are making. So, contract account for the year ended what? 31st March 2016. Then particulars, rupees. चलो अभी क्वेश्चन देखो, एक एक करके एंट्री डालते जाओ। सो पहला स्टार्टिंग में तो सारे एक्सपेंसेस है, मटेरियल, लेबर, ये सब है। तो चलो पुट इट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? मटेरियल इश्यूड। व्हाट इज गिवन फर्स्ट? मटेरियल इश्यूड। चलो द फर्स्ट वन, मटेरियल इश्यूड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल इश्यू किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में आया डेबिट, और मटेरियल क्या खर्चा है तो वो लॉजिक से भी मालूम है सबको, मटेरियल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर का डेबिट। सो मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट या मटेरियल इश्यूड,
So beta amount is what? What the amount is what? 9,20,000. Check karana ek bara. The amount is 9,20,000. Okay. After material, the next item is what beta? Next item is what? Direct labor. Direct labor is also an expenditure. अरे भाई डायरेक्ट लेबर भी तो एक्सपेंडिचर है, वो भी तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट करो टू डायरेक्ट लेबर. चलो डायरेक्ट लेबर इज व्हाट 4,40,000. चेक द अमाउंट, कोई भी अमाउंट में मिस्टेक रहेगा तो तुरंत बोलना बेटा. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. चलो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है बेटा? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इज व्हाट? 20,000. राइट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इज 20,000. नेक्स्ट वन इज व्हाट? चार्जेबल एक्सपेंसेस. चार्जेबल एक्सपेंसेस अकाउंट या चार्जेबल एक्सपेंसेस. चलो चार्जेबल एक्सपेंसेस इज व्हाट? 1,20,000 है. राइट बेटा, 1,20,000. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? अभी देखो क्वेश्चन में सिंपल सा बंडा. और कौन कौन सा एक्सपेंस है अपने पास? आर्किटेक्ट फीस है अभी, है ना. चलो आर्किटेक्ट फीस, ये देखो क्वेश्चन देखो. आर्किटेक्ट फीस भी है, फिर डेप्रिसिएशन निकालना है. इधर देखो, सी हियर, कहां तक हो गया अपना? चार्जेबल एक्सपेंस तक हो गया. राइट, प्लांट है, प्लांट मतलब डेप्रिसिएशन वाला आ जाएगा फटने. फिर आर्किटेक्ट फीस है, तो पहले आर्किटेक्ट फीस कर लेते हैं फिर डेप्रिसिएशन कर लेते हैं. या तो आपको डेप्रिसिएशन पहले करना है तो डेप्रिसिएशन भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, नो इशू एट ऑल. ठीक है, बोलो क्या करना है, बोलो फटाफट. पहले क्या करूं, डेप्रिसिएशन का करूं क्या आर्किटेक्ट फीस? डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा. बोलो फटाफट चैट बॉक्स में, दोनों में से कोई भी कर सकते हो. तो कौन सा करूं पहले, आर्किटेक्ट फीस? ओके चलो ठीक है, तो आर्किटेक्ट फीस फर्स्ट. आर्किटेक्ट फीस, तो टू आर्किटेक्ट फीस. अभी बेटा आर्किटेक्ट फीस क्या बोल रहा है? वर्क सर्टिफाइड का 4%. अब आपको वर्क सर्टिफाइड पता ही है बेटा, वर्क सर्टिफाइड कितना है फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट? 20,00,000. सो 20,00,000 का कितना परसेंट? 4%. कितना आ रहा है 20,00,000 का 4% हो गया, तो 24 × 80 मींस 80,000. यस 80,000. वेरी गुड बेटा, वेल डन अफसाना, साक्षी, नंदिनी, हर्षिता, वेरी गुड बेटा. तो ये आर्किटेक्ट फीस हो गया. नाउ आफ्टर आर्किटेक्ट फीस, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन. अब ये कॉमन प्लांट है, इफ यू आर टेकिंग कॉमन प्लांट, तो कॉमन प्लांट का एक्सपेंस मेथड लेने का. और एक्सपेंस मेथड लोगे तो पता है ना क्या आएगा, डेबिट में डेप्रिसिएशन आ जाएगा डायरेक्ट. टू डेप्रिसिएशन, बराबर है क्या बेटा? टू डेप्रिसिएशन. और इसके लिए एक नोट दिखा देना, पहले दिखना चाहिए नोट कि आपने इसको क्या एज्यूम किया है. नोट वन, बाकी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो इसका सिंपल है. प्लांट का कॉस्ट दिया है 3,00,000, उसका 20% रेट भी दिया तो डायरेक्ट निकल जाएगा. लेकिन पहले नोट लिख लो, नोट आ जाओ, नोट, नोट नंबर वन. नोट वन क्या लिखोगे? नोट वन में दिखाने का कि प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एज, प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एज, treated as common plant. Plant is to be treated as common plant under which method beta? Expense method. Under expense method. That's it. Plant is to be treated as common plant under which method? Under expense method. Bas. This is the note. Ye note dikha dene ka. चलो अब एक्सपेंस मेथड है, इसलिए डेप्रिसिएशन आया. और कैलकुलेशन तो वेरी इजी है,
ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है, प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट इज व्हाट 3 लाख, तो डेप्रिसिएशन रेट इज व्हाट 20% है, और ये फुल ईयर का ही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और टिल 31 मार्च, मतलब फुल ईयर, तो फुल ईयर मतलब डायरेक्ट 20%, तो 3 लाख का 20% हो गया कितना, 60,000। यस 60,000 हो गया, बराबर है, डन। डेबिट आइटम अपना कंप्लीट हो गया। यस बेटा, चलो अब क्रेडिट आइटम में क्या क्या आएगा, अगर कुछ मटेरियल रिटर्न किया है, कुछ भी गया तो क्रेडिट, ऐसा कुछ है नहीं तो डायरेक्टली अपना WIP, क्या आ जाएगा बेटा WIP, तो आ जाओ WIP, क्या लिखते हैं हम लोग, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। अब बेटा WIP में सबको याद रहना चाहिए क्या क्या आता है, पहला मटेरियल एट साइट, फर्स्ट मटेरियल एट साइट, सेकेंड वर्क सर्टिफाइड, थर्ड वर्क अनसर्टिफाइड, ये तीन चीज, ये 3 आइटम्स तो फिक्स है, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, प्लांट एट साइट। लेकिन प्लांट जब आप डेबिट में लोगे, अगर आप प्लांट इधर लिखोगे, स्पेशल प्लांट लोगे, तो आएगा WDV, अदरवाइज नहीं आएगा, तो प्लांट का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि प्लांट आपने डेबिट में लिखा ही नहीं है, तो क्रेडिट में कैसे लिखोगे, जब डेबिट में लिखोगे तो क्रेडिट में WDV आएगा ना, तो प्लांट का सवाल नहीं उठता। तो तीन चीज, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो पहले देखो मटेरियल एट साइट दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट दिया है क्या, इधर देखो नहीं दिया है, मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, देखो इधर भी दिख रहा है क्या अपने को, नहीं मटेरियल एट साइट नहीं है, ठीक है, मटेरियल मटेरियल एट साइट मीन्स मटेरियल एट द एंड कितना बचा, नहीं है। वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, ये दोनों आइटम है, वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख और ये 50,000, तो चलो आ जाओ जो दिया है वो दिखा दो। तो फर्स्ट आ जाओ क्या, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख, एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड इज व्हाट 50,000। चलो कितना हो गया बेटा टोटल, 20 लाख और 50,000, 20 लाख 50,000, 20 लाख 50,000, बराबर है। चलो अभी टैली करो। यस वेल डन हर्षिता, नाउ टैली। सो टैली करते टाइम पे पहले देखना कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा, 20 लाख 50,000 है, तो जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में दिखा दो, 20 लाख 50,000, 20 लाख 50,000। नाउ बेटा अब डेबिट का टोटल मारो और जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, और इधर जो प्रॉफिट आएगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो आ जाओ कितना आ रहा बेटा, लो बच्चों कितना आ रहा है, 4,10,000। ओके बेटा वेल डन हर्षिता, वेल डन अफसाना, वेरी गुड नंदनी बिंदा, वेरी गुड बेटा, यस 4,10,000। सो 4,10,000 इज योर व्हाट, नोशनल प्रॉफिट, 4,10,000 इज व्हाट योर नोशनल प्रॉफिट, यस वेरी गुड कविता, ठीक है। चलो अब क्या करना है बेटा, ये जो नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन है उसको इधर ब्रॉट डाउन करो, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 4,10,000। अब क्या करना है, इसी नोशनल प्रॉफिट में से, आउट ऑफ दैट नोशनल प्रॉफिट
आपका सम पार्ट किधर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द वर्किंग नोट नंबर, जो भी वर्किंग नोट आएगा अभी इधर लिख के रखते हैं, ठीक है. और बाकी बचा बैलेंस किधर ट्रांसफर करोगे आप? WIP में. द रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. Remaining balance will be transferred to WIP, work in progress carried down. चलो ये तो इसका टैली तो नॉर्मल है, वो तो सेम ही रहेगा. 4,10,000 and 4,10,000 इसका टैली तो कॉमन है. 4,10,000 का जो नोशनल प्रॉफिट आया है उसी को अपने को पीएनएल में ट्रांसफर करना है और जो रिमेनिंग रहेगा वो WIP, ठीक है. तो ये पीएनएल के लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, सेम वर्किंग नोट जो लास्ट लेक्चर में किया है. जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेम फंडा. चलो तो ये हो गया अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1. अब आ जाओ एस्टिमेटेड बनाते हैं. अब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया सबका. चलो नाउ एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट. अभी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम सिंपल अपना वही एस्टिमेटेड बना रहे हो तो वर्ड क्या डालना है आपको? मेमोरेंडम, ये वर्ड जरूर डालना बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग एस्टिमेटेड वन. तो एस्टिमेटेड मतलब एक रफ कैलकुलेशन हो गया. मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. अब मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है मतलब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा लाइफ अपने को देखना है, स्टार्टिंग से लेके 1 अप्रैल जो आपका स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट तब से लेके टिल लास्ट तक कंप्लीशन तक, इसलिए मेमोरेंडम हो गया ये. मेमोरेंडम अकाउंट फॉर द पीरियड, मेमोरेंडम अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम व्हाट, पीरियड फ्रॉम व्हाट? 1 अप्रैल 2015. What? 1 अप्रैल 2015 to? Yes, कभी खत्म हुआ है? 31 December 2016 में एंड हो रहा है, ठीक है. चलो पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. चलो लास्ट लेक्चर में भी किया था. तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, तो सबसे पहले आपको जो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन है इधर, ये देखो ये जो कैरिड डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करो. और इधर का जो कैरिड डाउन रहेगा ये देख रहे हो डेबिट में है तो क्रेडिट में चला जाएगा, तो मैंने क्या बोला डायरेक्ट माइनस कर देने का. बट इधर तो कैरिड डाउन कुछ है ही नहीं ना बेटा, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? नोशनल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. जब इधर नहीं है बैलेंस तो नोशनल प्रॉफिट माइनस करने का, बराबर है कि नहीं? तो आ जाओ कैसा डायरेक्टली, तो वो जो कैरिड डाउन था 20,50,000 तो वो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट बेटा? ब्रॉट डाउन, टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, ठीक है. चलो कितना वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, आ जाओ दिखा देते हम लोग. सी पहले तो है 20,50,000 है वो. सी ये कैरिड डाउन इधर है क्रेडिट, तो हो गया डेबिट 20,50,000. फिर उसके बाद ये नोशनल प्रॉफिट देखो, अदरवाइज हम लोग क्या माइनस करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन का जो इधर अमाउंट होता ना वो माइनस करते हैं, बट इधर तो अमाउंट है ही नहीं, तो इसलिए अपने को क्या माइनस करना पड़ रहा है, अपने को क्या माइनस करना पड़ रहा है, ये 4,10,000 नोशनल प्रॉफिट का बैलेंस. तो चलो सो माइनस 4,10,000. और ये लास्ट सम में भी लास्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिस किया है सेम, ठीक है याद रखो.
तो कितना आ गया 20,50,000 माइनस 4,10,000 यस वेरी गुड बेटा 16,40,000 तो आ गया पहला अपना जो बैलेंस आ गया लास्ट ईयर का पूरा जो बचा बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का डेटा अवेलेबल हो गया इधर। अब उसके बाद फटाफट ये ईयर में जो जो हुआ एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट से देख के डालते जाओ। तो चलो सबसे पहला क्या है अपना टू मटेरियल इश्यूड। अब इसी ईयर का डेटा देखो और अमाउंट डालते जाओ। मटेरियल इश्यूड कितना है 6,37,000 ये देखो क्वेश्चन में दिखा रहा हूं मैं दिस ईयर डेटा दिख रहा है अभी ये ईयर के जो डेटा है देखो ये सब मटेरियल इश्यूड दिस ईयर का डेटा 637,320,30,000 चार्जेबल एक्सपेंस। अब आर्किटेक्ट फीस इस ईयर में कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ था 15,00,000 देखो 20,00,000 और ये 35,00,000 क्यूमुलेटिव है ये क्यूमुलेटिव है मतलब पूरा प्लस होके आ गया इधर ठीक है। और 35,00,000 तो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही है ना तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मतलब 35,00,000 में से जब 20,00,000 लास्ट ईयर हो गया तो अभी कितना रहेगा वर्क सर्टिफाइड 15,00,000 तो 15,00,000 का 4% आएगा याद रखना नहीं तो लोग 35,00,000 देख के 35,00,000 का 4% डाल देते वैसा मत करना ये क्यूमुलेटिव है याद रखना। चलो तो लेट्स डू इट। सो पहले मटेरियल इश्यूड हो गया फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट लेबर। चलो डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा 3,20,000। नेक्स्ट आफ्टर डायरेक्ट लेबर व्हाट इज गिवन टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस हाउ मच 30,000 ओके अमाउंट चेक कर लेना बस। नेक्स्ट टू चार्जेबल एक्सपेंसेस टू चार्जेबल एक्सपेंसेस सो चार्जेबल एक्सपेंसेस व्हाट 1,70,000 करेक्ट है। आफ्टर चार्जेबल एक्सपेंस व्हाट इज गिवन आर्किटेक्ट फीस सो टू आर्किटेक्ट फीस इधर ध्यान देना नाउ आर्किटेक्ट फीस कितना इस साल का वर्क सर्टिफाइड कितना हो रहा है 35,00,000 पूरा दिया है बट उसमें से 20,00,000 तो पहले ही हो चुका है बिकॉज 35,00,000 तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना पूरा तो 20,00,000 पहले हो चुका मतलब इस साल का वर्क सर्टिफाइड हो गया 15,00,000 और 15,00,000 का 4% कितना आ रहा है 15,00,000 का 4% यस शाबाश 60,000 वेरी गुड समझा। तो ध्यान देना 35,00,000 के ऊपर मत लेना दिख रहा है उधर वर्क सर्टिफाइड 35,00,000 होता 35,00,000 के ऊपर 4% नहीं 35,00,000 तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया पूरा वर्क सर्टिफाइड मतलब पूरा खत्म हो गया बट आउट ऑफ दैट 35,00,000 20,00,000 तो पहले ही दे दिया ना आपने देखो 20,00,000 के ऊपर आपने पहले ही वर्क सर्टिफाइड का आर्किटेक्ट फीस दे चुके हो आप आर्किटेक्ट दिख रहा है 20,00,000 के ऊपर आर्किटेक्ट फीस दे चुके हो अब 35,00,000 के ऊपर दे देगा तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा फिर ठीक है। तो याद रखना 35,00,000 में से 20,00,000 के ऊपर दे चुका है तो बचा कितना 15,00,000 तो बाकी 15,00,000 का 4% उसको देंगे इस ईयर में। नाउ नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस के बाद वही अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन है टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट या डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन में ध्यान देना डेप्रिसिएशन में अब इधर आपको डेप्रिसिएशन करने के लिए ध्यान देना अब इस ईयर में इन दिस ईयर देखो इधर ध्यान से देखो बेटा देखो 3,00,000 का प्लांट था लास्ट ईयर में 3,00,000 का प्लांट था अब इधर देखो जरा क्वेश्चन में 3,00,000 के प्लांट में से अब इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा ध्यान देना बेटा सी एक बार क्वेश्चन उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं देखो बेटा 3,00,000 का प्लांट था आपका प्लांट आपका 3,00,000 का है ये देखो 3,00,000 का प्लांट है बट उसमें से एट द एंड 1,00,000 तो रिटर्न चला गया 1,00,000 क्या हो गया रिटर्न हो गया तो मतलब अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितना बचेगा सिर्फ 2,00,000 का प्लांट बचेगा बराबर है 2,00,000 तो 2,00,000 का प्लांट बचेगा तो डेप्रिसिएशन किस पे आएगा 2,00,000 पे ही आएगा ना बच्चा तो याद रखना 3,00,000 का प्लांट था एट द एंड 1,00,000 रिटर्न हो गया तो नेक्स्ट ईयर में कितने का प्लांट बचा है आपके पास 2,00,000 का 2,00,000 का ओरिजिनल कॉस्ट बचा है बराबर है दिख रहा है 1,00,000 का ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न तो 2,00,000 का ओरिजिनल कॉस्ट बचा है
तो नेक्स्ट ईयर अपने को 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अच्छा बाकी सब लोग पहले अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। सो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, 3 लाख का था माइनस 1 लाख का रिटर्न हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 लाख। अब ये 2 लाख के ऊपर अपने को कितना परसेंट है, यस डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। और इस साल में कितने महीने हैं, ये ईयर में, ये ईयर 9 मंथ्स का है, क्योंकि 12 मंथ्स का तो पहले ही चार्ज कर चुके हो, तो अभी कितना मंथ्स बचा है, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन, बराबर है, दिखा दूंगा नॉर्मल। तो 3 लाख का कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख रिटर्न हो गया था, तो बचा कितना 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर 20%, और अभी पीरियड कितना बच रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, अभी फिलहाल 9 मंथ्स, क्योंकि बाकी 12 मंथ्स का आप पहले चार्ज कर चुके हो, ठीक है, तो फिर से मत चार्ज करना। तो अब कितना आ रहा है बेटा, इसका आंसर कितना है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 30,000, वेरी गुड। सो द आंसर इज व्हाट, 30,000, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, 30,000 हो गया, बराबर है, डन। अब क्या करना बेटा, नाउ नेक्स्ट, इधर क्रेडिट में तो भाई एक ही आएगा, क्रेडिट में आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता तो कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट मिलता है अपने को, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो WIP नहीं आता, याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 35 लाख, दैट्स इट, बराबर है, तो 35 लाख हो गया, राइट। अब क्या करो, टैली करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, चलो टैली करते अभी, तो अभी टाइम खत्म हो जाएगा, तो टैली करके रखना, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इसको, बराबर है टैली का, बाकी जो करके रखोगे तो अच्छी बात है, एक बार आंसर चेक करना नेक्स्ट लेक्चर में। तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कौन सा रहेगा, वही 35 लाख ही होगा आपका, बिगर अमाउंट इज व्हाट, 35 लाख, 35 लाख। चलो अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकाल लो, सो दैट विल बी व्हाट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपने को निकालना है बेटा, कितना आ रहा है,